गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन C++ सीखेंगे। बेसिकली हम लोग ने फंक्शंस डिजाइन करना सीख लिया है, जिसमें कि हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, नेम ऑफ द फंक्शन होता है एंड पैरामीटर यानी कि जो आर्गुमेंट हम उसमें पास या रिसीव करते हैं उसको किस तरीके से यानी कि किन कैटेगरी में कितने तरीके से हम उस पैरामीटर को पास करते हैं जिसके बेसिस पे आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ अगर इस फंक्शन को देखें, इस प्रोग्राम को देखें, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ एक ऐड नाम का फंक्शन है और इसमें ये आर्गुमेंट यहाँ से पास हो रहा है। तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल आपका यहाँ जा रहा है, तो इसका पहला पैरामीटर जो है पहले वाले आर्गुमेंट में पास हो रहा है, दूसरे पैरामीटर की जो वैल्यू है यानी कि 78 वो क्या हो रहा है, दूसरे आर्गुमेंट में जाके सेव हो रही है। तो ये जो सेंडिंग द ये पास जो पैरामीटर पास कर रहा है फ्रॉम द कॉलिंग टू द जहाँ से ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन को और जहाँ इसकी डेफिनेशन है, वो कई तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। तो हम तीन टाइप से पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, हम लोग सी में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय पॉइंटर यूज करते थे और C++ में हम लोग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे। C++ ने ये रेफरेंस नया इंट्रोड्यूस किया है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। नाउ कॉल बाय या पास बाय वैल्यू टेक्निक में क्या होता है कि जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं उस वैल्यू की जो कॉपी है एक्चुअल पैरामीटर की वो पास होती है फॉर्मल पैरामीटर में, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर जो दोनों होते हैं उनकी अपनी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन प्रोग्राम में जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी अलग मेमोरी एलोकेट होगी और जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में जो हमने पैरामीटर आर्गुमेंट लिया है उसके लिए जो हमारा वेरिएबल होगा वो एक अलग मेमोरी लोकेशन में होगा। यानी कि हमारा एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू किस में पास हो रही है, फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कॉल बाय वैल्यू में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर जो वेरिएबल है अगर फंक्शन के अंदर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपका एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके कॉपी क्रिएट हुई है फॉर्मल पैरामीटर और वो फॉर्मल पैरामीटर अलग स्टोरेज लोकेशन है, उस स्टोरेज लोकेशन में कोई चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर की लोकेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा स्टोरेज में। ठीक है, एक ये देखिए छोटा सा हम दिखा रहे हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आपके num1 एंड num2 क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है और ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर है। तो वैल्यू 1 val 1 10 है वो जब हम यहाँ से पास करेंगे तो फॉर्मल पैरामीटर के नम वन में जाके स्टोर होगी। अगर नम वन में और नम टू में अगर हम कुछ बदलेंगे तो उसका इफेक्ट आपके वैल वन एंड वैल टू वाले वैल्यू पे नहीं आएगा। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हम दो नंबर को स्वैप कर रहे हैं विदाउट यूजिंग थर्ड नंबर, इसमें हम कॉल बाय वैल्यू का हमने टेक्निक का यूज किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्वैप नाम का फंक्शन है और जो दो आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसे ए और बी में जाके स्टोर कराएंगे, क्योंकि वो इंटीजर टाइप के होंगे इसलिए ये भी हमने पैरामीटर इंटीजर टाइप के लिए लिया है। और ये प्रोसेसिंग है जिसमें कि वैल्यू स्वैप हो रही है, यानी कि हमने स्वैप करने के बाद फंक्शन के इनसाइड में देखा कि क्या वैल्यू कितनी है, तो जो भी वैल्यू होगी उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी, बदल जाएगी, अदला बदली हो जाएगी। अच्छा, ये मेन प्रोग्राम है जिसमें कॉल बाय वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग। अब ये देखिए हमने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी, दो में इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसे हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले भी करा दिया, उसके बाद हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया। ठीक है, स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद ये ए और बी दोनों पास किया और हम आफ्टर स्वैपिंग करते हैं, यानी कि जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन जो कंट्रोल जाएगा उसमें वैल्यू स्वैप करेगा, वहां पर वो डिस्प्ले करेगा जो उसने चेंज किया है। लेकिन जब हम कंट्रोल वापस आएगा यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि ए और बी की वैल्यू अब क्या है आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो देखेंगे वो वही है जो पहले थी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा कॉल बाय वैल्यू के मैकेनिज्म में। ये छोटा सा आउटपुट है, देखिए हमने दो नंबर इनपुट किया 3 और 2, हमने डिस्प्ले कराया दोनों 3 और 2 डिस्प्ले हुए, लेकिन जब हमने फंक्शन के अंदर पास किया और उसके अंदर जो हमने डिस्प्ले कराया तो वैल्यू क्या हो गई, बदल गई 2 और 3। लेकिन जब हम वापस कंट्रोल यहाँ पे आया और हम मेन के अंदर इसको एक्सेस करें और बी को, तो वैल्यू क्या है, वही रही 3 और 2, यानी कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं है ओरिजिनल वैल्यू में। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू।
दूसरी आती है कॉल बाई पॉइंटर। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या करता है, शेयर द नेम मेमोरी लोकेशन, एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है, और अगर हम इसमें कुछ चेंज करें तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली कहाँ होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉल बाई पॉइंटर यूज करें तो अगर आपने कोई भी वैल्यू फंक्शन में बदली है उन पैरामीटर्स की, तो उसका इफेक्ट आपके ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा, क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, इसीलिए कॉल बाय पॉइंटर नहीं यूज करते। अभी देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए स्वैप नाम का फंक्शन है, तो जब भी हम कॉल बाय पॉइंटर यूज करेंगे या पास बाय पॉइंटर, तो हम जो भी वेरिएबल लेंगे वो एक्चुअली में वैल्यू ना होगी, वो उसकी एड्रेस होगी, और हम किस में स्टोर करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल में, क्योंकि पॉइंटर क्या कर रहा है, स्पेशल टाइप वेरिएबल है, वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। कॉलिंग देखिए कैसे हो रही है, सिंपली हमने यहाँ ए और बी को इनपुट लिया दोनों को, और उसके बाद जब हमने स्वैप कराया, स्वैप कराने के बाद हमने फिर उसको डिस्प्ले कराया, तो देखिए उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मैं अभी छोटा सा ये देखा, हमने यहाँ पे दो नंबर इनपुट किया 23 और 54, जब हमने ये डिस्प्ले कराया तो दोनों की वैल्यू 23 और 54 डिस्प्ले हो रही, लेकिन जब हमने कॉल किया और उसके बाद फिर हमने और भी डिस्प्ले कराया तो क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। यानी कि जब भी आप कॉल बाई पॉइंटर यूज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं उस पॉइंटर वेरिएबल में, तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, आपके ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। तो यानी कि ए का एड्रेस किसमें जाके स्टोर हुआ, स्टार ए में, और बी का एड्रेस किसमें स्टोर हुआ, स्टार बी में। तो एक्चुअली क्या है ना, सेम मेमोरी लोकेशन पे ही वो मॉडिफिकेशन हो रहा है। तीसरा है कॉल बाय रेफरेंस, ये हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक हम जो कॉपी है यानी कि वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर की, वो पास करने की बजाय हम क्या पास कर रहे हैं, रेफरेंस, यानी कि उसका एड्रेस। ठीक है, रेफरेंस यहाँ पे क्या है कि आर नथिंग बट अलियाज ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि हम एक ही मेमोरी लोकेशन का एक दूसरा मतलब एक नाम से हम वेरिएबल क्रिएट कर दे रहे हैं। यानी कि वो जो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर है वो क्या है, एक्चुअल पैरामीटर का एक दूसरा नाम है, दैट इज अ फॉर्मल पैरामीटर में जो पास करेंगे, और दोनों क्या करेंगे, सेम ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो इसलिए जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो कोई भी वैल्यू में अगर आप एक्चुअल पैरामीटर जो भी पास कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर में, और उस फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करेंगे, तो उसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, ओरिजिनल वैल्यू पे, सेम लाइक अ पॉइंटर, बट दोनों में डिफरेंस है। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कॉल बाई रेफरेंस है, देखिए यहाँ पे जब हम कॉल बाई रेफरेंस यूज करते हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एम्परसेंट सिंबल। ठीक है, एम्परसेंट रिप्रेजेंट द रेफरेंस, और यहाँ पे हमने सिंपली नॉर्मल वेरिएबल की तरह किस काम होता है, पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता है। अब ये देखिए वही हमने ए और बी में इनपुट किया, ए और बी को डिस्प्ले कराया, फिर स्वैप फंक्शन कॉल किया, और वही ए एंड बी पास किया, एक्चुअल पैरामीटर है, और ये ए का एड्रेस किसमें गया, यहाँ एड्रेस पास हो रहा है बेसिकली, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है ये, और उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया। ये देखिए पहले हमने डाला 25 और 50, तो बिफोर स्वैपिंग 25 50 कर रहा है, लेकिन बाद में क्या कर रहा है, 50 और 25। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो जो भी वैल्यू पास करेंगे, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उस पैरामीटर में, तो वो उसका इफेक्ट आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बट दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपने एक बार कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल को पॉइंट कर दिया सेम मेमोरी लोकेशन के लिए, उसके बाद आप दोबारा उस वेरिएबल को किसी और मेमोरी वेरिएबल के लिए आप पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में ऐसा नहीं है। पॉइंटर वेरिएबल में एक आप किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को किसी भी मेमोरी लोकेशन पे कभी भी आप पॉइंट करने के लिए इनिशियलाइज कर सकते हो उसका एड्रेस। ये सब कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग है जिसको पढ़ के आप लोग और भी कुछ जान सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कॉल बाय पासिंग पैरामीटर पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म।